नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइटन में आज इतनी तेजी क्यों देखने मिला, टाइटन शेयर के तेजी के पीछे का रीजंस क्या था, क्यों टाइटन में इतनी तेजी देखने मिला। तो देखिए, सबसे पहले हम टाइटन के जो चार्ट है टेक्निकल चार्ट उसको देख लेते हैं। टाइटन जो है टेक्निकल चार्ट पे जबरदस्त ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर देखिए, वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो जैसा कि हमने बोला है कि स्टॉक में आपको वीकली चार्ट ही देखना चाहिए। देखिए, यहाँ वीकली चार्ट पे लगातार यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा था और ये स्टॉक जो था अपने लगभग ऑल टाइम हाई पे था। अब यहाँ ऑल टाइम हाई पे और लगातार यहाँ पर देखिए बाइंग वॉल्यूम आ रहा है। वीकली चार्ट पे आपने देख लिया ऑल टाइम हाई पे था और यहाँ लगातार जो है वॉल्यूम पॉजिटिव आ रहा था, मतलब बाइंग वॉल्यूम आ रहा था। और यहाँ पर डेली चार्ट पर जब जाएंगे, अब देखिए यहाँ डेली चार्ट पर तो ये ऑल टाइम हाई है, तो ये लगभग अपने ऑल टाइम हाई पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये ब्रेकआउट होता, और जैसा कि आज यहाँ पर हुआ जबरदस्त ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दिया। तो इसके पीछे रीजन क्या था, जो आपने टेक्निकल चार्ट पे दिया कि यहाँ से प्राइस ऊपर निकलता है तो ये ब्रेकआउट होगा, और जो ब्रेकआउट काफ़ी ज़बरदस्त होगा। और यहाँ से जो स्टॉक है देख सकते हैं, यहाँ पर ये 1610 है और नीचे हमारा जो रेंज है 1400, और ऊपर का जो प्राइस रेंज है हमारा हुआ 1600, तो लगभग 200 का यहाँ पर प्राइस का गैप है। तो ये रेंज जो है 200 का था, तो ऊपर भी टारगेट कितना का होगा, 200 का। तो यहाँ पर देख लीजिए 1600 पर ये मतलब यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, तो ऊपर का जो टारगेट होगा वो भी 200 का होगा। जितना ये बड़ा रेंज होगा उतना बड़ा ऊपर टारगेट, तो 1800 इसका टारगेट होगा। अगर किसी ने यहाँ पर इस स्टॉक को लिया है तो वो 1800 के टारगेट का वेट कर सकते हैं कि 1800 तक ये स्टॉक जा सकता है, क्योंकि जो ब्रेकआउट होता है तो जितना बड़ा रेंज नीचे होता है, मतलब जितना बड़ा रेंज से ये ब्रेकआउट होता है उतना बड़ा हमारा टारगेट होता है। तो 200 रुपीज़ का ये रेंज है, तो ये 1800 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो आज तो लगभग 1700 ये चला जा चुका है, 1700 टच भी कर लिया तो अब 100 रुपीज ऊपर और जा सकता है। नया पोजिशन यहाँ पर नहीं बनाएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद हो सकता है कि इसको रिटेस्ट भी करे, और रिटेस्ट करने के बाद फिर से जाए, या यहाँ पर रिटेस्ट करके ये नीचे भी आ सकता है, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको सारे पॉसिबिलिटीज को देखना है। यहाँ पर देखिए, पहले या तो ये डायरेक्ट 1800 को टच करता है, या यहाँ पर फिर से रिटेस्ट करता है, या कंसोलिडेट करके टच करता है, तो जो पोजीशन पहले से बनाए वो वेट कर सकते हैं 1800 के टारगेट का। रेस पोजीशन तभी बनेगा जब ये यहाँ से फिर से रिटेस्ट लेकर के फिर से यहाँ पर ये मोमेंटम ऊपर की ओर करता है, तो फिर से इसमें हम फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं 1800 के टारगेट के लिए। अब देखिए, इसके पीछे फंडामेंटल रीजन क्या था कि टाइटन में इतनी तेजी देखने मिला। तो यहाँ पर देखिए, आज इसका जो क्वार्टर प्रॉफिट है वो काफी जबरदस्त आया। देखिए, मार्च क्वार्टर का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 564 करोड़, और ये जो प्रॉफिट है पिछले क्वार्टर के कंपेयर में भी काफी ज्यादा है। और जो ईयर ऑन ईयर बेसिस करें तो देखिए, मार्च 2020 यहाँ पर प्रॉफिट मात्र कितना था, यहाँ पर प्रॉफिट देख सकते हैं कि मात्र जो है 346 करोड़ था। तो इसके कंपैरिजन में पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर का जो मार्च क्वार्टर था उसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा जंप हुआ है प्रॉफिट में। और यहाँ पर सेल्स देखिएगा तो सेल्स में भी काफ़ी जंप है, और इस प्रॉफिट में जंप का कारण क्या हो बताया जा रहा है, ज्वेलरी जो मतलब गोल्ड का प्राइस में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, गोल्ड प्राइस में लगातार इंक्रीज होने के कारण गोल्ड प्राइस यहां पर जबरदस्त प्रॉफिट देखने मिला है। ये था फंडामेंटल रीजन जिसके कारण कंपनी में जबरदस्त ब्रेकआउट देखने मिला। ऐसे भी ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन है, तो अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हर गिरावट पे आप ऑन डिप्स कर सकते हैं। और इसका मार्केट कैप दे लीजिए 1,50,000 करोड़ को टच कर चुका है, 1,50,000 करोड़ को मार्केट कैप टच कर चुका है। और वहीं कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग जो 52.9% है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। डेट टू इक्विटी मात्र 0.75 का है, और कंपनी का जो पी है अभी 154 का पी है। देख सकते हैं पी इस कंपनी का काफ़ी हाई है, जबकि इंडस्ट्री का पी मात्र 22 का है। ऐसे भी ये कंपनी एक मोनोपोली क्रिएट करता है अपने सेक्टर में, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट है काफ़ी बेहतरीन है। और कंपनी डिविडेंड भी देती है, 0.24% का डिविडेंड यील्ड है। तो हर पैरामीटर्स से आप देखेंगे तो कंपनी काफ़ी शानदार है। और वही इन्वेस्टर सेक्शन में आप जाएंगे, प्रमोटर्स का स्टेक इसमें देखते हैं 52.90% है। ऐसे भी टाटा ग्रुप कंपनी है, तो इसमें आपको कुछ खास सोचने की जरूरत नहीं। यहाँ पर हमारे जो लीजेंड इन्वेस्टर है डॉक्टर जुजुमरा जी, उनका भी देख सकते हैं इनमें स्टेक है, और मार्च क्वार्टर में वो यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक किए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ परसेंट प्रॉफिट अपना बुक किए हैं, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। आप चाहे तो इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, मतलब हर पैरामीटर्स पर यह स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। टाटा ग्रुप के बेहतरीन स्टॉक में से एक है, जिसमें आप हर गिरावट में इसमें
लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही कंपनी के रिजर्व की बात करें, देखिए रिजर्व कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ, अभी 7,400 करोड़ का रिजर्व हो चुका है कंपनी के पास, तो लगातार कंपनी का रिजर्व भी हो रहा है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी लगातार इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का सेल्स भी लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन है। तो आपको टेक्निकल चार्ट पे मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर जब भी ये रिटेस्ट करे तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं या कभी भी बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, कभी भी गिरावट है ये स्टॉक हमेशा बाय ऑन डिप्स है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा कि क्यों आज टाइटन में तेजी देखने मिला, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ टेक्निकल चार्ट के अनुसार, दूसरा फंडामेंटल के अनुसार कि जो क्वार्टर का रिजल्ट था काफ़ी सॉलिड था, पिछले फाइनेंशियल और पिछले क्वार्टर दोनों के कंपेयर में प्रॉफिट में काफ़ी जंप और सेल्स में भी काफ़ी जंप देखने मिला। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जब आप पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।